सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस आयोजन में भारतीय स्टेट बैंक के राजपुर शाखा के द्वारा एक कार्यक्रम राजपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें कि बैंक के ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार के बारे में जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय धार के प्रबंधक राजेंद्र चिपलूड़कर द्वारा ऑनलाइन लेन देन के दौरान सुरक्षित तरीके से अपनाने पर जागरूक किया गया है, और अग्रणी जिला प्रबंधक संजय फरकिया द्वारा धोखाधड़ी होने पर ग्राहकों को कहा कि कैसे शिकायत दर्ज करना है यह बाबत जानकारी दी। शिकायत प्रबंधक बामनिया द्वारा एटीएम से लेन देन के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस बाबत ग्राहकों को जानकारी दी गई है। शाखा के सहायक परमेश्वर द्वारा सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के बारे में लोगों को जागरूक कर आभार भी माना गया। खरगोन जिले के ग्राम निमरानी में बीती रात करीबन 1 बजे के लगभग निमरानी में स्थित बैंक ऑफ इंडिया का अचानक बैंक का सायरन बजने से अफरा तफरी का माहौल बना। निमरानी में गश्त कर रहे सैनिकों ने सायरन की आवाज सुनकर खरटाका पुलिस चौकी प्रभारी को सूचना दी। चौकी प्रभारी भी गश्त कर रहे थे और तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। बैंक के आसपास और चारों तरफ मौका मुहैया किया गया है और बैंक के ताले सुरक्षित थे। किसी भी प्रकार से कोई वारदात होने की आशंका नजर नहीं आई। उसी समय चौकी प्रभारी ने बैंक कर्मचारी कमलेश प्रजापति को सूचना दी। सूचना मिलते ही बैंक कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बैंक का ताला खुलवाकर बैंक के अंदर की तलाशी भी ली गई है, लेकिन वारदात की किसी भी प्रकार से कोई होने की संभावना नहीं पाई गई है और सायरन बजने का तत्काल पता किया गया तो मालूम पड़ा कि सायरन में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सायरन बजा था। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। चौकी प्रभारी ने यथावत बैंक के ताले वापस लगवाए और इस मामले में ब्रांच मैनेजर सुजीत कुमार कुशवाहा ने बताया कि तकनीक समस्या होने के कारण सायरन बजा है, सुधार कार्य कराया जाए। जय आदिवासी युवा शक्ति जय संगठन के नेतृत्व में बड़वानी जिले के ठीकरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरुफाटक में कल देर शाम आदिवासी मांगलिक भवन और कनासपुरा में बैठक का आयोजन किया गया। राजपुर ठीकरी ब्लॉक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के संबंध में जय संगठन के गजानंद मुजालदे और रवि चौहान ने बताया है कि विगत आगामी 13 नवंबर को 25 वर्ष की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने जो अपना बलिदान दिया, अंग्रेज सेठ साहूकार जमींदारों से अपना मलिकाना हक जो लिया है, उस आंदोलन को कम उम्र में उन्होंने प्रारंभ किया था और अंग्रेजों से लोहा लेकर अपने जल जंगल जमीन को युद्ध कर कहीं छोटे बड़े आंदोलन कर उनसे अपना मलिकाना हक लेकर समाजजनों को दिलाया था। साथ ही हमारे लिए यह गर्व की बात है, इतनी कम उम्र में आदिवासी समाज के वीर क्रांति जिनका नाम आज भी धरती पर क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, आज उन्हीं का प्रेरणा और कम उम्र में चलाए गए मिशन पर समाज के युवा आगे आकर जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।